أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद المسلمین पार्टी के चाहने वालों के लिए वेस्ट बंगाल से और जो नगर निकाय चुनाव वहां पर अब जो वहां की वोटिंग थी वो संपर्क हो चुकी है, जिसके बाद से मजलिस के उम्मीदवारों को वहां पर बेहतरीन कामयाबी मिलने का अंदेशा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, मजलिस इत्तेहाद المسلمین पार्टी को टोटल 140 सीटों पर वहां पर धमाकेदार जीत दर्ज हो सकती है, क्योंकि आज जिस तरह से नगर निकाय चुनाव को लेकर अवाम ने मजलिस के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से बंगाल में मजलिस के उम्मीदवारों के अंदर एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि मजलिस ने जिस तरह से अवाम के दिलों को जीता और अवाम के दिलों में अपना घर बनाया, उसके बाद से अवाम ने घरों से निकल कर मजलिस के हक में वोटों का अतिया पेश किया, जिसके बाद से वहाँ पर जो रुझाने थे और जो रुझानों के तहत वहाँ पर ये खबर बंगाल की जो सोशल मीडिया है वहाँ पर गर्दिश कर रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी के खेमे में खलबली मचा रही है, क्योंकि बंगाल में पहली मर्तबा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद المسلمین पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिसके बाद से अवाम ने दिल खोल कर अपने वोटों का अतिया मजलिस इत्तेहाद المسلمین पार्टी के उम्मीदवारों को दिया, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट पैदा हो चुकी है, क्योंकि मजलिस के आने से यहाँ पर के उम्मीदवारों को करारी शिकस्त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर यहां पर मजलिस के इस कामयाबी के बाद हैरान और परेशान हो चुके हैं, क्योंकि आवाम के दिलों को जीतने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद المسلمین पार्टी ने किया है और मजलिस करते आ रही है, जिसके बाद से आज मजलिस के उम्मीदवारों को यहाँ पर इतनी शानदार कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि आज जिस तरह से बंगाल में कामयाबी के जो सीढ़ियाँ हैं मजलिस इत्तेहाद المسلمین पार्टी धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ रही है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले हर छोटी बड़े इलेक्शन में मजलिस को कामयाबी हासिल होगी। तो आप सब मिलकर ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर